नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल महत्सुत अमर झा में। आज हम क्लास नाइन्थ का गणित का वर्कशीट संख्या 79 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 31 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। बच्चों, आप बेलन, वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन और प्रिज्म क्या होता है, जैसे नीचे की आकृति हो त्रिमितीय आकृति, वैसे ऊपर ही हो, ऊपर भी उसी प्रकार का हो जैसा आधार हो वैसा छत भी हो, तो उसको प्रिज्म कहते हैं। तो आप किस ये भी जानते हैं कि किसी त्रिमितीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन कहलाता है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो इस यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे नीचे हो वैसे ऊपर हो, तो नीचे का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते, तो नीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, को एच से गुणा कर दे तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो इकाई है घनमात्रक होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच घनमात्रक हो गया। इस समझ को और बेहतर बनाने के लिए उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। सवाल दिया है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरा सूप को से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के प्रतिदिन के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है। तो पहले देखिए आर क्या है हमें दिया हुआ, तो ये 7 जो दिया है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो कटोरे की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा इसका आधा 7/2 जो 3.5 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ऊंचाई दिया हुआ है 4, तो एक कटोरे का आयतन V1 यानी कटोरे एक का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको गुना किया गया तो 154 सेंटीमीटर क्यों आया। अब 250 रोगियों के लिए चाहिए, तो इसको 250 से गुना किया गया जिससे ये आंसर आ गया, 250 कटोरे की कुल आयतन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलनाकार के अभ्यंतर यानी अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाला जाता है, यानी एक तो ये बेलनाकार है उसके अंदर एक बेलनाकार दूसरा बेलनाकार ग्रेफाइट डाला जाता है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, यानी ये पूरे का व्यास जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 7 mm और इसका व्यास दिया हुआ है 1 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है यानी इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपको ज्ञात करना है, कितना लकड़ी लगा कितना ग्रेफाइट लगा। तो यहाँ पेंसिल ऐसे बेलन के रूप में है जिस में लकड़ी का बाहरी बेलन है, तो बाहरी त्रिज्या हो गई आर और ग्रेफाइट अंदर में लगा हुआ है, तो आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर माना, ऊंचाई तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो देखिए बाहरी त्रिज्या यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा, और ग्रेफाइट जो आंतरिक त्रिज्या है वो हो जाएगा 1 mm दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे mm दिया हुआ है, मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को एक यूनिट में पहले बदले, 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर में होता है 1/10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर बराबर में हो 10 मिलीमीटर
बराबर में होता है 1 सेंटीमीटर, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया गया तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, और ये हो गया 0.5 mm था तो 0.05 cm। अब ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आंतरिक है ये ग्रेफाइट का निकाला पाई आर स्क्वायर एच से, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर एस, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू डाला और एच की वैल्यू डाला तो ये आ गया इसका। और लकड़ी का आयतन, तो पेंसिल का कुल आयतन में से लकड़ी का ग्रेफाइट का आयतन घटा दीजिए, कुल आयतन में से इसके आयतन में से इसको घटा दीजिए, तो यह लकड़ी का आयतन हो जाएगा। या फॉर्मूले से यदि करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और उसका भी वैल्यू होता है आर प्लस आर और आर माइनस आर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू से पुट करके यहाँ पे बनाया गया, दोनों को जोड़ दिया गया तो 0.4 और दोनों का डिफरेंस आया 0.03, तो इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों का निकल गया। अब आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए गए हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल दिया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, एक तो दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है चौड़ाई दिया हुआ का आयताकार आधार टीन का डिब्बा जिसको जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है घनाभ के रूप में है और दूसरा वृत्त के रूप में है यानी बेलनाकार रूप में है, तो किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, तो आपको ये निकालना है। तो पहले घनाभ का आयतन निकाल लें, घनाभाकार डिब्बे की धारिता बराबर में घनाभाकार डिब्बे का आयतन, तो यहाँ L दिया हुआ है तो ये देखिए L बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, B बराबर में दिया हुआ है B बराबर में 4 और H बराबर में 15, H बराबर में 15 और तीनों का यूनिट एक ही है, तो हमारा क्या हो जाता है, धारिता बराबर में आयतन ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, L B H यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी सेंटर, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे देखिए L कितना दिया हुआ है 5 गुने 4 गुने 15, तो कितना हो जाएगा 5 × 20 को 15 से करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसका देखते हैं, अब बेलनाकार डिब्बे की धारिता बराबर में बेलनाकार डिब्बे का आयतन, तो बेलनाकार डिब्बे का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच, तो यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, आर बराबर में हो जाएगा 7/2 और एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो एच बराबर में हो जाएगा 10, तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया 22, इसको लिखेंगे 22/7 और इंटू 7/2 गुने 7/2 गुने 10, तो 2 से ये चला गया 11 और 1/7 से 1/7 चला गया, 2 से ये चला गया 5, अब इसको गुना करें ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 11 गुने 7 गुने 5, तो 35 को 11 से करते हैं तो 3 × 7 = 35 3 × 8 = 5 आ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा इसका आंसर दिया, अब क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो आप देख सकते हैं किसकी अधिक है और कितनी अधिक है, तो आप लिख सकते हैं बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की
धारिता अधिक है और कितनी अधिक है तो इसमें से घटा दीजिए, कितने अधिक है, 300 कितना 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है इस तरह से, एक बेलनाकार पाइप है जिसकी आंतरिक व्यास दिया हुआ है, यानी इसकी व्यास दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर 24 cm, और बाहरी व्यास दिया हुआ है आपको, इसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई दिया हुआ है आपको 35 सेंटीमीटर। तो पाइप का आयतन ज्ञात करना है, तो हम क्या निकालेंगे, ये बड़ा आर मान लेते हैं बाहरी त्रिज्या, पाइप की बाहरी त्रिज्या मान लेते हैं, बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगा ये हो गया आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर का आधा, 28 by 2 = 14, और छोटा आर मान लेते हैं आंतरिक त्रिज्या, ये हो जाएगा 24/2 यानी 24 सेंटीमीटर दिया हो, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, और एच दिया हुआ है आपको 28, एच दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, पाइप का आयतन, पाइप का आयतन जो होगा, पाइप का आयतन बराबर में हो जाएगा पाइप का बाहरी आयतन माइनस में पाइप का आंतरिक आयतन। तो पाइप का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, पाई, ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा पाई और एच कॉमन, पाई एच कॉमन, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इससे भी और निकल के आ जाएगा पाई और पाई एच और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो आइए अब वैल्यू पुट करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 और होता है, और एच की वैल्यू यहाँ पे 35 दिया हुआ है, 35, और आर प्लस आर यानी इसमें जो 14 प्लस 12 को जोड़िए और 14 - 12 को घटाइए, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 5, और 22 को 11 से करेंगे 110, और ये हो जाएगा 14 × 12 = 26, और ये हो जाएगा 2, इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 110 × 52, तो आंसर आएगा 2527, और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।